हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, हमारे व्यूअर हैं जिनकी समस्या क्या है आइए जानते हैं। देखिए, सबसे जो ज्यादा दिक्कत उनको आ रही है वो ये है कि जब भी वो स्टॉक आइटम बनाने के लिए जा रहे हैं, आप जैसे देखिए ये हमारी कंपनी का नाम है ग्रोसरी शॉप, और यहाँ पर ये क्रिएट ऑप्शन दिया गया, ये टैली की मेन मेन्यू है, गेटवे ऑफ टैली जो लिखा हुआ है ये टैली की मेन मेन्यू है। तो अगर हमें कोई भी स्टॉक आइटम बनाना है तो यहाँ पर क्रिएट पे जाना होता है, और क्रिएट पे जाकर के फिर कहाँ जाना होता है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉक आइटम, तो इस स्टॉक आइटम ऑप्शन पे जाके क्लिक करना है और फिर एंटर कर देना है, तो ये स्टॉक आइटम क्रिएशन वाली विंडो ओपन हो जाती है। अब इसमें स्टॉक आइटम बनाना है, जैसे मान लीजिए राइस बनाना है, RICE राइस लिखा, हमने एंटर किया, एंटर करने के बाद फिर नीचे आए तो यहाँ पर आप अंडर दे सकते हैं, आप यहाँ से जाकर के सपोज कीजिए ग्रोसरी बना सकते हैं, ग्रोसरी, ठीक है, ग्रोसरी यानी किचन से रिलेटेड जो आइटम्स होते हैं उनको ग्रोसरी के अंडर डाला जाता है, और यहाँ पे क्वांटिटी वगैरह शो कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे यूनिट्स की बात आती है, तो अगर ये बिकेगा राइस तो किस में बिकेगा, किलो में बिकेगा, ठीक है, और यहाँ ऑलरेडी केजी बना रखा है हमने, यहाँ पर अगर मैं दोबारा से यूनिट बनाता हूँ केजी नाम से तो ये डुप्लीकेट आइटम बोलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है, तो यहाँ पर जो है केजीएस कर देते हैं, केजीएस, ठीक है, और केजीएस करके एंटर करते हैं और यहाँ पे किलोग्राम कर देते हैं, किलोग्राम, ठीक है, तो ये हो गया किलोग्राम, एंटर करते हैं और जैसे ही एंटर करते हैं तो यूनिट क्वांटिटी कोड यानी यूक्यूसी कोड ये पूछता है, तो यहाँ पे केजी करेंगे जैसे ही तो यहाँ पे देखिए किलोग्राम दिखाई पड़ रहा है, और यहाँ पर अगर आपने डेसिमल प्लेसेस जीरो कर दिया तो हो गई गड़बड़। अब क्या गड़बड़ हुई आइए देखते हैं, यहाँ पर एंटर करके इसे एक्सेप्ट कराया और एंटर एंटर करके फिर नीचे आए, फिर यहाँ पर भी इसे एक्सेप्ट करा लिया, तो यानी ये स्टॉक आइटम राइस हमारा तैयार हो गया। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर बी बटन प्रेस करके और जबकि परचेज में एंट्री करने के लिए जाएंगे या सेल्स में जाएंगे, तो पहले तो परचेज ही करेंगे देन सेल्स में जाएंगे, और यहाँ पर मान लीजिए कैश में ही कर रहे हैं सारा काम, तो ये कैश हो गया, एंटर किया, एंटर किया और यहाँ पर एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कराया और यहाँ परचेज अकाउंट आ गया, और यहाँ पर राइस लगा लेते हैं, तो ये राइस लगाया हमने। अब मान लीजिए कि 55.5 किलो हमें राइस परचेज करना हो, तो यहाँ पे जैसे ही करते हैं तो ये 55 बन जाता है 56, ठीक है, यानी 55 बन जाता है 56। अगर मान लीजिए कि 55.2 केजी परचेज करना है तो ये 55 केजी बन जाता है। अब ये बड़ी समस्या आ गई हमारे सामने, ठीक है, और ऐसी कुछ समस्या, अब जैसे मान लीजिए 1.5 किलो परचेज करना है तो ये 2 किलो बन जाता है, ये राउंडिंग अपने आप कर ले रहा है, जबकि हम जितना चाहे केवल उतना ही यहाँ पे आए ऐसा हमें करना है, तो ये आखिरकार गड़बड़ क्यों हुई? ये गड़बड़ इसलिए हुई क्योंकि आपने यूनिट बनाया और उस समय राउंडिंग सही से नहीं करी। तो ये बाहर आते हैं, बाहर आने के लिए हमें क्या करना है, स्केप बटन प्रेस करना है, तो स्केप बटन प्रेस कर लेते हैं, बाहर आ जाते हैं। अब यहां से अल्टर पे जाना है, ये गेटवे ऑफ टैली पर आपको अल्टर ऑप्शन दिखाई पड़ जाएगा, और इस अल्टर ऑप्शन पे आपको जाना है, और अल्टर ऑप्शन पे जाने के बाद एंटर करना है, और एंटर करने के बाद हमें स्टॉक आइटम में जाना है, ये स्टॉक आइटम है हमारा, हमने बनाया था राइस, राइस पे जाना है। जैसे ही आते हैं तो देखिए यहां पर हमने केजीएस बना रखा है और केजीएस नाम की जो यूनिट जो हमने बनाई है उसी में गड़बड़ी कर दी है, तो एक बार फिर बाहर आते हैं इसके बटन प्रेस करके, और इस बार आते हैं यूनिट पर, तो यूनिट हमारे पास 2 है, हमने केजी पहले से बनाया था और ये केजीएस, तो केजीएस में जैसे आते हैं तो आप देखते हैं कि नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस यहां पे जीरो कर दिया, जिसकी वजह से ये दिक्कत हुई। आपने देखा भी कि किस प्रकार से अगर मैं 55.5 कर रहा हूं तो वो 56 बन जा रहा है, अगर उससे कम रख रहा हूं तो वो 55 ही रह जा रहा है, तो अगर पॉइंट में भी हमें सेल या परचेज करना है तो उसके लिए ये ध्यान रखना है कि आपको यहां पर डेसिमल प्लेसेस देना होगा। अगर मान लीजिए मैं यहां पे 3 दे देता हूं, एंटर कर देता हूं, इसे एक्सेप्ट करा लेता हूं, अब देखिए अब अगर मैं वही एंट्री परचेज में कर रहा हूं तो ये किस प्रकार से एंट्री होती चली जाएगी, एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया, एंटर करते हुए यहां पर आए और यहां पर हम रेगुलर रख सकते हैं एंटर करके, और यहां पे परचेज अकाउंट, अब फिर वही राइस लगा रहा हूं। अब इस बार मान लीजिए 1.5 किलो किया तो यहां पे ये 1.500 हो जा रहा है, तो अभी क्या करना है, अभी यहां से जो है एंटर करके आना है और वापिस से उसी एंट्री को कर लेना है। जैसे मान लीजिए मैं दोबारा से उसी एंट्री को कर देता हूं, वो एंट्री मैंने पूरा एक्सेप्ट नहीं कराया था, आएंगे कैश कर दिया, एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया, और एंटर करते हुए यहां पे रेगुलर रखेंगे, बाकी GSTIN वगैरह डाल लीजिएगा, यहां परचेज अकाउंट, तो राइस था तो राइस यहां ले लेते हैं, और मान लीजिए हम 45.2 किलो ही सेल करेंगे तो यहां 45.2 किया तो आगे 2 जीरो आ गया अपने आप, और रेट डाल देते हैं,
परचेसिंग की रेट 22 रुपए हमें पड़ी, तो यहाँ पे 994 रुपए का चावल जो है हमने परचेस कर लिया। बाकी यहाँ सीजीएसटी लगा दीजिए, एसजीएसटी लगा दीजिए, ये आ गया। और एंटर करते हुए यहाँ नरेशन डाल दीजिए, द गुड्स हैव बीन परचेज्ड विथ कैश, ये लगा दिया हमने, एंटर किया और इसे एक्सेप्ट करा लिया। तो बस यही वो तरीका है जिससे राउंडिंग पर आप कंट्रोल पा सकते हैं, आप कम अधिक कर सकते हैं। जैसे कोई स्टॉक आइटम आप बनाते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो है, मान लीजिए यहाँ पर मैंने ये कर दिया, एक नई एंट्री करके दिखाता हूँ। ये सप्लायर इनवॉइस नंबर हो गया आपका, यहाँ पर आए, यहाँ पे कैश ही किया हमने, एंटर किया एंटर किया एंटर किया, और यहाँ पर आपको रखना है रेगुलर, एंटर करना है और यहाँ पे परचेस करके, और यहाँ पे कर देता हूँ देसी घी, देसी घी ये हमने लिख दिया, एंटर किया एंटर किया। और यहाँ पे आते हैं तो ये यहाँ पर आप इसको ग्रोसरी के इसमें डाल सकते हैं, और यहाँ पर केजीएस कर दिया। स्टैंडर्ड रेट भी सेट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये वीडियो स्टैंडर्ड रेट को सेट करने की नहीं है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ देसी घी के लिए हमने बना दिया, तो केजीएस यहाँ पर भी रखा है हमने किलोग्राम, ठीक है। अब मान लीजिए 5.1 किलोग्राम है, तो यहाँ पे देखिए 5.1 किलोग्राम हो गया, और एक किलो की कीमत है 780 रुपए, ठीक है, कितनी है 780 रुपए। तो यहाँ हमने डाल दिया, एंटर किया एंटर किया, और यहाँ पर आकर के सीजीएसटी और देन एसजीएसटी कर लीजिए, तो ये सीजीएसटी एसजीएसटी आ गया, और इसको एंटर करके एक्सेप्ट करा लीजिए। तो ये वो तरीका है जिससे आप राउंडिंग कर सकते हैं, ठीक है। और राउंडिंग का बड़ा महत्व है, उम्मीद करता हूँ बात आपके समझ में आ गई होगी कि ये कैसे करना है आपको, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।